Hey everyone, before moving forward, this is just a general announcement about the CSAT Foundation course, uh, which is starting from 1st of March, right? And uh, the course is running at 70% discount. So please go and enroll for the course. इन दिस कोर्स वी वुड भी कवरिंग कॉन्टेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन लीन एंड अरेंजमेंट्स और ऐसा सब कुछ जो सी सैट के लिए इंपॉर्टेंट है हमने लास्ट ईयर भी एक कोर्स लॉन्च किया था सी सैट विथ पी वाई क्यूज जिसकी जिसके थ्रू यू नो हमने बच्चों को बहुत हेल्प किया था एंड देवर एबल टू डू फिफ्टी प्लस क्वेश्चन राइट इन यू पी एस सी मेन प्रलिम्स पेपर सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स एंड विद दिस कोर्स यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं देन सी सैट विद पी वाई क्यूज़ वाला जो कोर्स है दैट यू आर गेटिंग फॉर फ्री है ना एंड यू कैन गेट द शेड्यूल फॉर दिस कोर्स बाई क्लिकिंग ऑन दिस लिंक और ये सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है आप डेमो लेक्चर्स लास्ट ईयर के कोर्स पे भी देख सकते हैं एंड फॉर रजिस्ट्रिंग फॉर द कोर्स यू कैन गो टू दिस पर्टिकुलर लिंक राइट एंड जो लास्ट ईयर के यू नो टेस्टिमोनियल्स हैं फॉर द स्टूडेंट फीडबैक यू कैन ऑल्सो लुक एट दीज फीडबैक्स फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स ऑन आर वेबसाइट और यू कैन पॉज दिस स्लाइड एंड थैंक यू सो मच है एवरी वन वेलकम बैक टू द ले मैन वे तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम एम सी क्यूज डिस्कस करते हैं पांच करंट अफेयर्स के और पांच स्टेडेड टॉपिक के है ना तो आज जो है इसको पहले वाइट कर देते हैं इसका आज जो हमारा करंट स्टैटिक टॉपिक है दैट इज इकोनमी तो हम इकोनमी के पहले पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बाद करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे है ना तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बिल आइकन सो दैट यू नेवर मिस मिसर्च न्यू अपडेट्स तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज इकॉनॉमी का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबिलाईजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज़ टू कम्पोनेट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाई इंडियन नाइनटीन नाइनटी वन तो देखो ये वाले जो चीज़ें हैं ये आपको कौन सी आ, आपको एक एन सी आर टी पढ़नी है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट एन सी आर टी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको पढ़ना है है ना वो आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन कर पाओगे तो हम पर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन अब इसमें दो चीज़ों के बारे में बात करें उस और उसी के ऊपर पूरे ऑप्शन घूम रहे हैं दैट इज़ स्टेबलाइजेशन पहला मतलब है स्टेटलाइजेशन और दूसरा है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट तो इन दोनों का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है अगर हमको ये क्वेश्चन करना है स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है नॉर्मल भी अगर आप समझोगे तो व्हाट इज व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइज मतलब किसी को स्टेबलाइज करना कोई चीज़ को इक्लिब्रियम में लाना इकॉनमी को स्टेबलाइज करने का क्या मतलब होगा कि इकानमी जो चल रही है उसके फ्लो को हम मैंटेन कर पाए ना ज़्यादा इकानमी में इन्फ्लेशन हो ना ज़्यादा डिफ्लेशन हो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन हो जिससे इकॉमी का ग्रोथ हो यही मतलब है स्टेबलाइजेशन करने का तो इसको कैसे करोगे आज के अगर हम कंटेक्स में बात करें तो उसको हम कैसे करते हैं फिजकल पॉलिसी से करते हैं फिजिकल पॉलिसी से करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो आती है आर की जिसमें आर यू नो अपना सी आर रेपो रेट और ये सब कंट्रोल करता है ताकि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएँ और उनको एक पर्टिकुलर रेंज जो कि रहती है इनकी टू टू सिक्स में हम इसको मेन्टेन कर पाए तभी तो हम बोलते हैं स्टेबल इकोनॉमी है करेक्ट तो स्टेबलाइजेशन तो ये हो गया अब स्टेबलाइजेशन का मतलब हमको समझ में आ गया दूसरा है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आए मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कि जैसे यू नो लेबर वेलफेयर के लिए कुछ आ रहा है या फिर यू नो टैक्सेस में बहुत ज़्यादा अलग ही चेंज आ गया टैक्स लैब्स ही पूरे चेंज हो गए और मतलब आप समझ रहे हो इकॉनमी के पूरे स्ट्रक्चर्स को चेंज करना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पॉलिसी आ रही जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हैं जिसमें हम मेजर आ, सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म के ऊपर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है इसका अभी अगर आप इफेक्ट देखो तो क्या एक दो साल में थोड़ी दिख जाएगा ये तो लॉन्ग टर्म चीज़ है ना हमको जनरेशन लग जाएंगी इसका इफेक्ट जानने में जो पुरानी पॉलिसी थी वो अभी तक चलती आ रही है तभी तो हमको पता चला ये गलत है तो अभी और इम्प्रूवमेंट आया है तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जिससे हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स को पूरा चेंज कर रहे हैं डीप रूटेड स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए लॉन्ग टर्म में इसका मतलब होता है लेबर uh, रिफॉर्म्स लाना ये सब चीज़ें जो है ना ये सब आती है किसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में तो अब इसी के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेबिलाईजेशन जो है दैट इज़ अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाई स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ क्विक एडाप्शन प्रोसेस तो क्विक तो है नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इफेक्ट आपको सालों बाद दिखेगा जब आपको आप एनालाइज़ करोगे आपको दिखेगा कि अच्छा ये बच्चा जो है जिसने वोकेशनल ट्रेनिंग ली आज ये लाइफ में क्या कर रहा है दस पंद्रह साल बाद तो ये क्विक तो नहीं है है ना क्विक तो नहीं है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और स्टेबलाइजेशन जो है स्टेबलाइजेशन के रिजल्ट्स आपको जल्दी दिख जाएंगे क्योंकि देखो आप फिजिकल पॉलिसी अगर लाते हो फिजिकल पॉलिसी या फिर यू नो फिजिजिकल पॉलिसी में मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ शूटअप हो सकती है जैसे आर ने रेपो रेट को अगर कम कर दिया या रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया तो इससे डायरेक्ट आपको जो होम लोन्स के इंटरेस्ट रेट हैं जो कार लोन्स के इंटरेस्ट रेट हैं उसमें इफेक्ट दिखेगा जल्दी से दिखेगा तो ये ग्रेजुअल नहीं है ये तो क्विक है स्टेबिलाइजेशन वाला प्रोसेस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस ये सही है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइड स्टेटलाइजेशन इज अ क्विक एडाप्शन प्रोसेस दिस इज करेक्ट करेक्ट दिस इज करेक्ट तीसरा भी देख लेते हैं स्टेबिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज़ तो कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है अलग अलग है एक शॉर्ट टर्म नीड को देख रहा है दूसरा लॉन्ग टर्म नीड को देख रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट वन फ्रॉम अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं है स्टेबिलाइजेशन मेनली डील्स विद द सेट ऑफ पॉलिसीज विच आर इंप्लीमेंटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट वाई स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट इज टू बी सेट बाई मोशन ऑफ स्टेट गवर्मेंट से तो गलत है है ना हमने देखा एन ई पी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और स्टेबिलाइजेशन दोनों करती हैं सेंट्रल बैंक भी करता है गवर्नमेंट uh, भी करती है करेक्ट तो ये इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया बी तो आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर रखना है कि स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है तभी क्वेश्चन कर पाओगे ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय इन्फ्लेशन जो आर बी आई यूज़ करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने में जो हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं टू से सिक्स परसेंट की उसके लिए आर बी आई इनमें से कौन सी इंडेक्स को यूज़ करता है होल सेल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है सी पी आई को यूज़ करता है फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स फ़ॉर रूरल वर्कर्स या फिर फॉर कंबाइंड अब देखो इसमें मान लो आपको नहीं भी मालूम है आपको नॉर्मल सी और डब्लू मालूम होता है सब पढ़ते हैं सी पी कि जो कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन होता है उस रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं और डब्ल्यू में हम होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं तो अगर हमको इकानमी का इन्फ्लेशन निकालना है महंगाई भत्ता महंगाई दर निकालना है सॉरी महंगाई दर निकालना है तो हम किसकी महंगाई को मेजर करेंगे जो हम एज अ कंज्यूमर महंगाई फेस कर रहे हैं वही होगा तो इसका मतलब सी हम मेजर करेंगे तो डब्ल्यू तो गलत हो गया डब्ल्यू पी एन ही होगा अब सी पी आई हम मेजर करेंगे हम सी पी आई हम कौन सा मेजर करेंगे इतने तीन सी पी आई दिए हुए हैं इसमें कौन सा अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स रूरल वर्कर्स कंबाइंड वर्कर्स कंबाइंड मतलब अर्बन प्लस रूरल तो मेरे को आप ये बताओ कि अगर मेरे को इकोनॉमी का पूरा इन्फ्लेशन निकालना है या महंगाई दर निकालना है तो क्या मैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करूंगा नहीं करूंगा क्या मैं सिर्फ अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स का निकालूंगा और बोलूंगा ये इकॉनॉमी का पूरा इन्फ्लेशन है नहीं ऐसा तो नहीं करूंगा या फिर क्या मैं सिर्फ रूरल वर्कर्स का निकालूंगा और बोलूंगा कि ये पूरी इकॉनमी का इन्फ्लेशन है नहीं है मैं क्या कंबाइंड निकालूंगा पूरी इकॉनमी का निकालना है तो मेरे को कंबाइंड निकालना पड़ेगा अर्बन प्लस रूरल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इस टाइप से लॉजिक यूज़ करके भी कर सकते हो अगर नहीं पता है तो समझ में आ रहा है डी इज़ द ऑप्शन वे ऑफ थिंकिंग हमको डेवलप करना है प्रॉब्लम के लिए वही हमारा मेजर फोकस है इनमें से कोई क्वेश्चन शायद ही है बट वे ऑफ थिंकिंग इनसे डेवलप हो रहा है है ना उस पर फोकस रखो द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज सबसे अच्छी अप्रोप्रिएट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या है पहला है जी ऑफ द कंट्री दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तीसरा है नेश नेट नेशनल प्रोडक्ट और चौथा क्या है पर कैपिटल रियल इनकम तो ये देखो एनसीआरटी में ना सीधा सीधा दिया हुआ है सीधा सीधा अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ऑल मेजर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री है ना क्या ये अप्रोप्रिएट मेजर है किसी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्योंकि इसमें तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो जो फॉरेन कंपनीज़ पैसा कमा रही हैं वो इंडिया में थोड़ी यूज़ हो रहा है वो तो बाहर ले बाहर ये लोग अपनी कंट्री में रेमिट कर रही होंगी है ना तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम इससे नहीं बता सकते फॉरेन वाले पार्ट से तो जीडीपी तो ये नहीं होगा जी नहीं होगा रियल इकोनॉमिक मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है दूसरा क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है इसी ग्रॉस प्रोडक्ट में से जब हम डेप्रीशिएशन uh, को माइनस कर देते हैं कुछ चीज़ें डप्रिशिएट होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको माइनस कर देते हैं तो नेट प्रोडक्ट आ जाता है तो जब ग्रॉस नहीं है तो नेट भी नहीं है डिप्रिशिएशन से क्या हो जाएगा हमारा हमको तो फॉरन पार्ट हटाना है तीसरा क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है वॉट इज़ एन एन पी एन एन पी इस की जो इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री का क्या होता है वहाँ के जो नेशनल्स कमा रहे होते हैं वो होता है उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अब एन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि जो फ़ारेन में इंडियंस हैं फ़ॉरन में जो इंडियंस हैं इंडियन नेशनल्स हैं वो कितना कमा रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं प्लस जो इंडिया में नेशनल्स हैं इंडियन नेशनल्स हैं वो कितना कमा रहे हैं जो इंडिया में बसे हुए नेशनल्स हैं वो कितना कमा रहे हैं ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अब इसमें देखो इसमें इसमें क्या है इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो इसमें एक चीज़ हमको और एडजस्ट करनी पड़ेगी दैट इज़ जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं उसको हमको मतलब वो तो बाहर जा रहा है ना पैसा तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से एक्चुअली जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है वो यही होता है कि फॉरेन इंडियंस कितना कमा रहे हैं फॉरेन में जो इंडियंस हैं वो कितना कमा रहे हैं प्लस इंडियन नेशनल कितना कमा रहे हैं दिस इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको हम जी से कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से वो वाला पार्ट माइनस कर देते हैं जिसमें से जो फॉरेन लोग कमा रहे हैं जो फॉरेन लोग कमा रहे हैं वो वाला पार्ट हम माइनस कर देते हैं और इसमें हम ये वाला पार्ट ऐड कर देते हैं जो इंडियन नेशनल्स बाहर कमा रहे हैं क्योंकि हमने जी में वो काउंट काउंट नहीं किया है जो बाहर के इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं जो फ़ॉर इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है तो हम वो इसमें इंक्लूड करते हैं तो जब हम ये चीज़ करते हैं जीडीपी में से फॉरेन वाला माइनस जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं वो माइनस कर देते हैं और जो इंडियन नेशनल्स बाहर कमा रहे हैं फॉरेन में कमा रहे हैं वो हम प्लस कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक है ये एक्चुअली में इज़ अ अप्रोप्रिएट मेजर क्योंकि हम इसमें इंडियंस का ग्रोथ मेजर कर रहे हैं करेक्ट और ये एन में भी दिया गया है कि दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम नेशनल इनकम क्या होती है अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है तो चलो अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं तो इसका अभी एट प्रेजेंट क्या है एट प्रेजेंट इसका आंसर क्या है सी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेस्ट मेजर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट ठीक है अब आ गया दूसरा क्वेश्चन नेशनल इनकम इज एनसीआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि जो नेशनल इनकम होती है इकोनॉमी की वो क्या होती है नेशनल इनकम क्या होगी जो नेशनल्स कमा रहे हैं इंडियन नेशनल्स कमा रहे हैं बाहर वाले इंडियन नेशनल्स जो कमा रहे हैं प्लस जो इंडिया के नेशनल्स कमा रहे हैं इंडिया में जो बसे हुए इंडियंस हैं वो कमा रहे हैं दिस इज टोटल कॉल्ड द नेशनल इनकम मतलब नेशन का इनकम कितना है करेक्ट अब इसमें भी नेशनल इनकम क्या डिफाइंड है दो चीज़ें होती हैं एक होता है फैक्टर कॉस्ट एक होता है मार्केट प्राइस और बहुत ही सिंपल है फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्सेस इंक्लूड कर देते हैं और जो सरकार सब्सिडीज दे रही है उसको माइनस कर देते हैं तो आता है मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है ये प्रोडक्ट कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट में बना होगा दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट अब इसमें जब हम गवर्नमेंट के टैक्सेस लगा देते हैं और जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसको माइनस कर देते हैं तो आता है मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में कितने प्राइस पर बिकेगा तो ये कितने प्राइस पर बिकेगा ये नेशनल इनकम नहीं है नेशनल इनकम क्या है ये वाला पार्ट जो फैक्टर कॉस्ट है है ना दैट इज़ अ नेशनल दैट इज़ वो नेश उस टाइप से जब हम कैलकुलेट करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को तो हम बोलते हैं दैट इज़ अ नेशनल इनकम करेक्ट क्योंकि टैक्सेस और सब्सिडी तो चेंज होता रहता है ये तो सब्सिडी तो आपको सरकार ने दी है ना यार है ना और टैक्सेस भी सरकार लगा रही है तो दैट इज नॉट एन करेक्ट मेजर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम ये एनसीआरटी में दिया हुआ है साफ साफ तो इसका आंसर क्या है बी है और ये आपको याद रखना है उसके बाद विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा करना है ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट्स एज पर 2001 सेंसस 2001 सेंसस में कौन सा पर्टिकुलर मतलब ये ऑर्डर अरेंज करना है जिसमें फ़ीमेल लिटरेसी रेट की बात की गई है मान लो ये आपको नहीं पता है बट थोड़ा बहुत सबको पता रहता है अब हमको पता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स लिटरेसी में सबसे हाई है बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पता रहता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के उन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन और लिटरेसी है है ना यू की तैयारी स्टार्ट भी नहीं करोगे तो भी पता होगा इसमें से एक ही जो है वो सदर्न स्टेट रेट कौन सा दैट इज़ केरला केरला ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस होगा हमारा केरला जो है वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट सबसे हाई है तो टू सबसे हाई हो गया अब टू अगर सबसे हाई हो गया तो ए हो गया बी हो गया सी हो गया ये तीन ऑप्शन हो गए डी तो चला गया डी चला गया अब हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो थोड़े बैकवर्ड हैं तभी तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फोकस करती है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए अभी पी एम डिवाइन आया है बजट में है ना नॉर्थ ईस्ट में हम डेवलपमेंट करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो वहाँ पर ट्राइबल एरियाज भी बहुत ज़्यादा हैं है ना ए एम टी एम की हम बात करते हैं जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं आसाम मेघालय त्रिपुरा मिज़ोरम है ना और जो ये नागालैंड वाले एरियाज हैं ये और भी ज़्यादा पीछे यहाँ पे प्रिमेटिव ट्राइबल कल्चर्स हैं करेक्ट तो यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम होगा लिटरेसी तो कब आएगी जब वहाँ पे स्कूल सेटअप हों लोग जाएँ और पढ़ें तभी तो आएगी ना तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पीछे हैं सबसे ये हमको पता चल गया यानी आखिरी में क्या होगा वन और फोर तो आखिरी में या तो वन होगा या तो फोर होगा अब देखो आखिरी में वन और फोर कहाँ पर है ए और बी में है सी भी चला गया ऑप्शन में एलिमिनेट कर दिया हमने हमने दो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बिना सिर्फ लॉजिक से काम कर रहे हैं अभी हमको पता नहीं है आंसर है ना ए और बी हो गया अब अब हमको क्या डिसाइड करना है अब हमारा बस आंसर कब आएगा जब हम ये बता पाएँ कि क्या मिज़ोरम में सबसे कम है या फिर नागालैंड में सबसे कम है करेक्ट नागालैंड कहाँ पर है नागालैंड है एकदम इधर बॉर्डर पे, मतलब इधर और आपका जो म्यांमार वाला है यहाँ पे नागालैंड आता है और आपने सुना होगा वहाँ पे ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा है मतलब ट्राइब्स जो हैं वो वहाँ पे बहुत हैं अभी भी रीसेंट न्यूज़ में आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना हॉर्नबिल फेस्टिवल में यू you नो know, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि आ, जो फायरिंग हुई थी वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान चली गई थी वहाँ पे ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिज़ोरम मिज़ोरम में थोड़ा सा कम है है ना अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे मिज़ोरम और नागालैंड को तो नागालैंड थोड़ा ज़्यादा बैकवर्ड है इस चीज़ में ट्राइबल एरियाज़ के कंपेरिज़न में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ हैं अवेयरनेस कम है वो सब चीज़ें प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप ज्यादा हैं पी ज़्यादा हैं तो मिजोरम और नागालैंड में अगर मेरे को गैस मारना होगा अगर मान लो मेरे को नहीं मालूम है और मेरे को गैस मारना है तो मैं नागालैंड पे गैस मारूंगा कि नागालैंड जो है वो आखिरी में होगा तो मैं आंसर मारता वन ए नहीं मालूम है अगर तो नहीं पढ़ा है मान लो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पता है तो मैं ये मारता और यही आंसर है यही आंसर है इसका बट आप देखो थोड़ा बहुत गैस वर्क करना पड़ेगा अगर बिल्कुल भी नहीं मालूम है आंसर और गैस वर्क भी थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए ऐसे रैंडम नहीं होना चाहिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके मत मार देना थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ कि नागालैंड जो है नागालैंड ज़्यादा ट्राइबल है ज़्यादा दूर है है ना तो वहाँ ज़्यादा ट्राइबल हैं ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं तो वहाँ पे लिटरेसी रेट कम होगा एज़ कम्पेयर टू मिज़ोरम इंटीग्रेशन कम होगा ना जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन कम होगा यूनियन से स्टेट से मतलब पूरे इंडिया से इंटीग्रेशन कम होगा तभी तो नॉर्थ ईस्ट पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करेक्ट तो आंसर क्या हो गया इसका ए हो गया समझ में आ रहा है वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा तो करो है ना आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केन एंड बेतवा रिवर्स तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट न्यूज़ में है उस पर एक क्वेश्चन है देखते हैं केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन एम पी मध्य प्रदेश एंड आर ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ़ यमुना तो ये तो पता ही है दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना है ना मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं दोनों की दोनों राजघाट परिचा एंड माटा टीला डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर अच्छा तो ये तो मतलब पढ़ा होगा तभी कर पाओगे ये एक्चुअली में हैं सारे डैम्स इसी के ऊपर ही हैं तो ये तो पढ़ा 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 पढ़ना पड़ेगा आपको तभी पता चलेगा ये अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है केन रिवर थ्रू पन्ना टाइगर रिज़र्व ये भी सही है तभी तो न्यूज़ में था ये वहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही थी ना कि वहाँ से जो है पन्ना टाइगर रिज़र्व से पास करता है है ना हम वहाँ के हैबिटेट इसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो केन रिवर वहाँ से पास करती है पन्ना टाइगर रिज़र्व से न्यूज़ में था बस और कुछ नहीं है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड वाटर टू वाटर स्टार्ट बुंदेलखंड रीजन तो यही इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि बुंदेलखंड जो रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्कैसिलिटी रहती है वहाँ पे हम वाटर प्रोवाइड कर पाए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी पूरा करंट अफेयर के बेस पे क्वेश्चन है इसमें कोई एलिमेशन टेक्निक नहीं लग रहा था अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक इज रिलीज बाय इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज इंटर गवर्नमेंटल सॉरी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड मीटरलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन रिलीज करता है भाई इन्वायरमेंट आउटलुक यू एन रिलीज करता है ना यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका आंसर क्या हो जाएगा सी रिसेंटली गेल हैज कमिंस्ड इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इंटू नेचुरल गैस सिस्टम विच कैन बी द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंडिंग हाइड्रोजन विद नेचुरल गैस हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से ब्लेंड करने में क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट हो सकते हैं साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है देख लेते हैं हाइड्रोजन एनरिच्ड कम्प्रेस नेचुरल गैस एच जिसको बोलते हैं दैट विल इंश्योर सेवेंटी परसेंट मोर रिडक्शन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन कम्पेयर टू सी तो कुछ तो बेनिफिट होगा तभी तो ब्लेंड कर रहे हैं है ना अभी सेवेंटी परसेंट है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते बट डेफिनेटली कार्बन मोनोडाइऑक्साइड में एमिशन होगा तो मोर चांसेस हैं कि ये सही हो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में हमने देखा है वैसे भी अब देखो जैसे कोई डेटा कोड होता है ना जब जब भी अब ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ये सोचा करूँ कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा था जब उसने ये क्वेश्चन बनाया होगा मान लो मैं ये क्वेश्चन बनाता कि रिसेंटली गेल हैज़ कमेंस वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड प्रोजेक्ट तो मैं ये कहाँ से क्वेश्चन बनाता मैं कहीं न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेता द हिंदू से द हिंदू से ऑप्शन बनाता मैं यही करता ना मैं मैक्सिमम अब मैं उस टाइम ये दिमाग तो नहीं लगा रहा कि यार अब नाइन्टी परसेंट है इसको कम कर देते हैं नाइन्टी परसेंट से मैं कम करके इसको दस परसेंट कर देता हूँ बीस परसेंट कर देता हूँ इतना मैं दिमाग नहीं लगाता मैं एज इट इज स्टेटमेंट देता और एज इट इज स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर देता अगर मेरे को जल्दी करना है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है उसके पास भी ऐसे कोई दुनिया भर का टाइम नहीं है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इस टाइप से सोचो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो क्या चेक करना चाह रहा है आपको तो। और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है जनरली ऑप्शन सही रहते हैं बट ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हमेशा सही रहते हैं बट थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि सेवेंटी परसेंट से छेड़छाड़ जनरली कम होती है वो सेवेंटी से सेवेंटी फाइव एट्टी ये सब नहीं करेगा का अगर उसको चेंज करना भी होगा तो यहाँ पे कहीं चेंज करेगा कि रिडक्शन इन कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस जो है ये कुछ अलग हो जाएंगे डेटा में जनरली कम छेड़छाड़ होती है ठीक है तो पहला ऑप्शन सही होने की ज़्यादा टेंडेंसी है दूसरा क्या बोल रहा है पावर आउटपुट ऑफ हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो बेटर देन सी एन जी वंस तो ब्लेंड इसीलिए कर रहे हैं नहीं तो सी यूज ना कर लेते <laughs> अगर सी एन जी का ही सही होता तो सी एन जी यूज कर लेते कुछ तो एडवांटेज होगा ये सारे एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो एडवांटेजेस जनरली सही होंगे ना तभी तो इतने ले, बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है है ना ब्लेंडिंग इंटीग्रेट्स कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू एग्जिटिंग नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ मीथेन अगेन सेम चीज पहला अब इसे प्रूव हो गया कि पहला ऑप्शन सही है क्योंकि पहला और तीसरा इंटर रिलेटेड है इसमें बोला कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन हम कर कम कर देंगे और इसमें बोल रहे हैं हम कार्बन इंटेंसिटी और मीथेन कम कर देंगे दोनों में कार्बन रिडक्शन हो रहा है और ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है जब हम ऐड करते हैं कोई चीज़ हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं हम मीथेन से दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग तो ब्लेंडिंग इंटीग्रेट्स कंसेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन विद एक्जिस्टिंग नेचुरल गैस सही है करेक्ट सही है थर्ड भी सही है इट इज ईजियर एंड सेफर टू यूज एन हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन बहुत ही फ्लेमेबल गैस होता है है ना तुरंत आग लग जाता है तो जब हम उसको किसी और से ब्लेंड कर देंगे तो क्या होगा उसकी फ्लेमेबिलिटी कम हो जाएगी है ना कोई भी चीज़ को इम्प्योर करोगे आप तो उसका प्योरिटी कम हो जाता है तो ये भी सही है फोर्थ भी सही है तो आंसर क्या हो गया डी हो गया आंसर समझ में आ रहा है इस टाइप से थोड़ा दिमाग लगा करना है है ना और क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बॉन कन्वेंशन बॉन कन्वेंशन को कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है अब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए ज़बरदस्ती डाला है क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं जिसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एक है बॉर्न कन्वेंशन एक है बॉन कन्वेंशन और एक होता है बॉर्न चैलेंज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों में एज पेरेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बॉन चैलेंज क्या है बॉन कन्वेंशन क्या है तो इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है अब आप बताओगे मेरे को इसका आंसर क्या है पहला क्या है रिलेटेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स एंड फॉरेस्ट दूसरा है रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तीसरा है रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एमिशन फ्राम डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक जर्मनी रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग मरीन पॉल्यूशन फ्राम शिप्स तो देखो ये तो गलत है मरीन पॉल्यूशन के लिए क्या था मैंने बताया था मारपोल था क्योंकि इसका आधा वर्ड यहीं से आया मार और पोल मरीन पॉल्यूशन तो ये तो मारपोल कन्वेंशन था ये गलत हो गया तीसरा क्या रिलेटेड टू रिड्यूसिंग एमिशन फ्राम डेवलप कंट्रीज लाइक जर्मनी ये जबरदस्ती डाला है क्यों क्योंकि बॉर्न जो है वो एक वो एक सिटी है कहाँ पे जर्मनी में बट एमिशन रिड्यूस करने के लिए ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है अब आप कन, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो कन्फ्यूज़ कहाँ होगा इन दोनों में और यही मकसद था इन दोनों में कन्फ्यूज़ करना क्योंकि आपको एक्जैक्टली exactly पता होना चाहिए बॉर्न चैलेंज क्या है बॉन कन्वेंशन क्या है और ये मैं बहुत बार बताता रहता हूँ जब करंट अफेयर्स के लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था बॉर्न चैलेंज और बॉर्न कन्वेंशन बॉर्न चैलेंज कि हम डिग्रेडेड लैंड्स को कम करेंगे दैट इज बॉर्न चैलेंज नॉट बॉर्न कन्वेंशन बॉर्न कन्वेंशन इज ऑन इन्वायरमेंट जिसमें हम माइग्रेटरी स्पीशीज के कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं ठीक है दैट इज टू तो आंसर इसका क्या हो जाएगा टू हो जाएगा समझ तो में आ रहा है बॉर्न चैलेंज कि हम 350 मिलियन हैक्टेयर्स लैंड को वो करेंगे रिस्टोर करेंगे तो दैट इज़ बॉन चैलेंज अब आपका काम होमवर्क ये है कि बॉन चैलेंज को एक बार जाके आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करोगे और बॉन्ड कन्वेंशन के भी करोगे ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक ए के बारे में बात की गई है जिसके बारे में हमने करंट अफेयर्स में देखा था क्या बोल रहा है इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1966 सिक्सटी सिक्स हडक्वाटर इन मनीला फिलिपींस तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है 1966 में सिक्स हुआ था ये बताया था पहला ऑप्शन सही है दूसरा क्या बोल रहा है चाइना इज़ इट्स बिगेस्ट शेयर होल्डर एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओके द यू एस एंड जापान आर एमंग इट्स मेम्बर्स और चौथा है इट हैज़ ओवर सिक्सटी एट मेम्बर्स एज ऑफ नाउ ओके तो ए डी बी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग किसकी है पता है आपको लगेगा एशियन कंट्री की होगी चाइना सबसे बड़ा है तो चाइना की ही होगी क्योंकि आपको लगेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें तो चाइना की है और उसमें सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी ऐसा होगा बढ़िया ही आप गलत कर दोगे क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा जो ओनरशिप है दैट इज़ ऑफ यू एंड जापान है ना चाइना की नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत ठीक है नहीं है तो ऑटोमेटिकली जब यूएस एंड जापान की ज़्यादा है तो थर्ड वुड बी करेक्ट और फोर्थ की हमको ज़रूरत नहीं क्योंकि टू अगर आप गलत कर दोगे इसमें टू अगर आप एलिमिनेट करते हो ए सी डी गलत हो गया आंसर क्या हो गया बी हो गया आंसर क्या हो गया बी हो गया समझ में आ रहा है तो ये हो गए आज के लेक्चर आई गेस आज का जो सेशन था वो बहुत एनरिचिंग था आपके लिए और इफ़ इट वॉज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट तलेमेन्नवे डॉट कॉम फॉर मोर सच फ्री कोर्सेज एंड